गुमला जिले के डुमरी थाना क्षेत्र के खेतली गांव में देर रात छापेमारी के दौरान पुलिस ने दो आरोपी को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस संबंध में थाना परिसर में प्रेस वार्ता कर सर्किल इंस्पेक्टर अनूप बी केरकेट्टा ने बताया, सूचना के आधार पर पता चला खेतली गांव में अवैध रूप से अपने पास हथियार रखा हुआ है, जिसके बाद सूचना की जानकारी वरीय पदाधिकारी को देते हुए थानेदार मनीष कुमार के नेतृत्व में टीम गठित कर तत्काल उक्त सूचना के सत्यापन के लिए देर रात धनेश्वर अहीर उम्र 40 वर्ष पिता स्वर्गीय देवनाथ अहीर के घर से 12 बोर का डबल बैरल का राइफल बरामद किया। वहीं पूछताछ करने पर इसने बताया देवधन उराव के पास गोली है, जिसकी निशानदेही पर देवधन उराव उम्र 25 वर्ष पिता रामधनी भगत ग्राम बड़ा कटरा के पास से 12 बोर की कुल 6 गोली बरामद की, जिसमें से 2 जिंदा गोली 4 खोखे पाए गए। वहीं दोनों अभियुक्तों ने अपना अपराध स्वीकार किया। वहीं दोनों अभियुक्तों पर प्राथमिकी दर्ज कार्रवाई करते हुए गुमला जेल भेज दिया गया है। गुमला झारखंड, अजीत सोनी। पुलिस अधीक्षक महोदय गुमला के निर्देशानुसार थाना प्रभारी मनीष कुमार के द्वारा एक टीम का गठन किया गया। सूचना का सत्यापन आवश्यक कार्रवाई हेतु ग्राम खेतली लाया गया और धनेश्वर अहिर नामक व्यक्ति के घर में तलाशी ली। तलाशी के क्रम में धनेश्वर अहिर के घर से 12 बोर का डबल बैरल का एक देसी हथियार बरामद किया। उसके उपरांत धनेश्वर अहिर की निशानदेही पर फिर जो है देवधन उराव के घर में तलाशी लिया गया और वहाँ से जो है 2 जिंदा गोली तथा 4 खोखा 12 बोर का बरामद किया। हथियार का कोई वैध कागजात नहीं दिखाने के उपरांत डुमरी थाना कांड संख्या 22/6/2022 धारा 25(1)(b)(26)(35)(8) में पेश किया गया और दोनों अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। दान निर्माण का भरोसा लाल स्टील जीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील जीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती।